Hello everyone, I'm Shalja Nahal and you're watching my channel Shilpa Share. Hope you all guys are well at your home. Guys, is this boxes beautiful? But आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैंने इसे रीन्यू किया है. आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मैंने इस बॉक्स को कैसे और क्यों बनाया है. सो दिस इज माय बॉक्स. अब मैं इसे अच्छे से क्लीन कर दूंगी और साइड्स पर अगर कुछ भी इसके लगा होगा तो उसको हटा दूंगी. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट विद द बेस पेंट. आई एम गोइंग टू पेंट इट विद द एक्रेलिक कलर. मैंने इसे ब्रश की हेल्प से पेंट किया है बट आप लोग देख सकते हैं कि इसके स्ट्रोक्स अच्छे से नजर आ रहे हैं. सो इसके स्ट्रोक्स को छुपाने के लिए हम लोग स्पॉन्ज या फिर डैबर लेंगे. अगर आप लोगों के पास डैबर नहीं है तो आप लोग कोई भी स्पॉन्ज इस तरह का यूज कर सकते हो. ये बहुत ही सस्ता है और बहुत ही इजीली अवेलेबल है. आप लोग इसे सेंटर से कट कर सकते हैं और इसे इजीली यूज कर सकते हैं. ऑलवेज प्रेफर टू यूज अ व्हाइट कलर बेस. मैंने बॉक्स को ऑलरेडी पेंट कर दिया है. बॉक्स के ऊपर एक छोटी सी जगह होती है जहां पर लिड बंद होती है, तो प्लीज आप उस चीज को पेंट मत कीजिएगा क्योंकि जब हम लिड बार बार बंद करेंगे या खोलेंगे तो वहां से पेंट ऑटोमेटिकली हट जाएगा. बट आई एम नॉट हैविंग दैट स्पेस सो आई हैव टू कलर इट. अब हमें इस लिड को पेंट करना है. उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा जो हमारा पेपर है उसके नीचे कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा. एज आई एम ए प्रोफेशनल क्राफ्टर, मेरे पास अभी सिर्फ प्रोफेशनल पेपर्स ही हैं. बट यू कैन चेक, ये जो पेपर है ये मैगजीन पेपर के थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है. सो आप लोग इसकी जगह पर मैगजीन पेपर्स को इजीली यूज कर सकते हो. यू कैन सी इस पेपर का जो बेस कलर है वो हल्का सा पिंक और हल्का सा ब्राउन है, दैट इज मिक्स एंड मैच है. तो मैं जो बॉक्स का बेस पेंट है वो भी मिक्स एंड मैच ही बनाऊंगी. आई एम यूजिंग चॉक पेंट्स. यू कैन यूज एक्रेलिक पेंट्स और द फैब्रिक कलर्स टू. नाउ आई एम गोइंग टू कलर इट. ये कलर हमारा बहुत ही स्मूथली होगा क्योंकि हमारा जो बेस पेंट है वो बहुत ही अच्छे से हुआ है. लेकिन अगर अभी भी कुछ स्ट्रोक्स आ रहे हैं तो आप डैबर या स्पॉन्ज यूज कर सकते हो. यू कैन गेट द एक्रेलिक कलर्स फ्रॉम द एनी स्टेशनरी शॉप. इफ यू आर न्यू इन दिस डिकोपैज फील्ड और यू आर रीन्यूइंग योर एनी प्रोडक्ट, आई एम वेरी श्योर फॉर माई ट्यूटोरियल्स यू कैन गेट योर एवरी आंसर. आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी थिंग इन डिटेल in my each and every tutorial. अब मैंने बॉक्स को और बॉक्स के इस लिड को अच्छे से कलर कर दिया है. Now I am doing mix and matching and this is totally optional part. मेरा बेस अच्छे से सूख गया है सो मैं ब्रश में थोड़ा सा पानी लेकर सारे बेस में पानी लगा दूंगी और अब डैबर की मदद से कलर लेकर उस पर कलर को डैब करूंगी. डैब करने से कलर मिक्स हो जाएगा. अगर आपका कलर मिक्स नहीं हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा और पानी लीजिए ब्रश में, उसके ऊपर सारा पानी लगाइए और डैबर की मदद से अच्छे से उसे मिक्स कर दीजिए. नाउ यू कैन सी द डबल शेड ऑन द बेस. इसी तरह से मैं पूरे बॉक्स में सेकंड कलर से मिक्सिंग कर दूंगी. You can see the difference. Now you can see हमारे बेस के साथ हमारा कलर मैच कर गया है. लेकिन अब मुझे इसे हाईलाइट करना है. सो मेरे पास दो कलर्स हैं, एक है चॉक पेंट और दूसरा है फेविक्रिल का. सो मैं अब चॉक पेंट लूंगी. नाउ आई एम गोइंग टू कलर इट. कलर को छोटे से डैबर में लूंगी, इसे हल्का सा डैब करूंगी, फिर इसमें पानी मिक्स करूंगी और पानी को डैब करूंगी ताकि पानी अच्छे से निकल जाए. देन मैं इसे रेंडमली कहीं कहीं पे ही बॉक्स के ऊपर करूंगी जहां जहां मुझे शेडिंग चाहिए.
इट लाइक आई एम डूइंग, इट विल गिव यू परफेक्ट शेड। अब मैंने पूरे बॉक्स पर इसका इफेक्ट दे दिया है और लिड्स के साइड पर भी। मैंने लिड की टॉप पर बिल्कुल भी शेडिंग नहीं की है क्योंकि मैं इस पर पूरा का पूरा पेपर स्टिक करने वाली हूँ। मैंने इसके अपर पार्ट को कट कर दिया है, अब मैं इसके लोअर पार्ट को कट करूंगी। कट करने से पहले एक चीज हमेशा जान लीजिए कि हमेशा थोड़ा सा बड़ा कट कीजिए ताकि अगर छोटा कट जाए गलती से भी तो वो मैनेज हो सके। नाउ फॉर द पेस्टिंग आई एम यूजिंग फेविक्रिल मॉड पॉज, इट इज इजीली अवेलेबल इन एनी स्टेशनरी शॉप। पेस्टिंग के लिए मैं बेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ और पेस्ट करने से पहले मैं पेपर को थोड़ा सा गीला करूंगी विद द हेल्प ऑफ ए स्प्रे बॉटल। इसे गीला करने से पेपर जो है वो बहुत ही इजीली स्टिक हो जाता है। पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग का डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं आई लिंक में दे रही हूँ। आई एम डूइंग इट विद डैबर, यू कैन डू इट विद योर हैंड्स ऑल्सो। अगर आप मैगजीन पेपर भी यूज कर रहे हैं तो ये सेम मेथड ही यूज कीजिए, बट एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पेस्ट कर रहे हैं उसको तो हल्के हाथ से पेस्ट करें। नाउ अप्लाई द मॉड पॉज ऑन द पेपर फ्रॉम द सेंटर टू द एंड। इन माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल श्योरली टेल यू हाउ यू कैन मेक ए मॉड पॉज एट योर होम। अब मैं इस पेपर को बॉक्स के फ्रंट पर पेस्ट कर रही हूँ। इसको पेस्ट करने से पहले मैं इसको रफली काट लूंगी ताकि अगर जब मुझे इसको मर्ज करना है तो ये अच्छे से मर्ज हो जाए। इसका पेस्टिंग करने का तरीका बिल्कुल ही सेम है जो हमने लिड पे यूज किया है। आपके पास जो भी पेपर है आप उसी हिसाब से इसको पेस्टिंग कर सकते हो, इसको डेकोरेट कर सकते हो। पेस्ट करने के बाद आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए। और अगर आपको जल्दी पेस्टिंग करनी है तो ड्रायर को यूज कीजिए। नाउ माय पेस्टिंग इज डन, आई एम यूजिंग सीजर फॉर कटिंग द एक्स्ट्रा पेपर। इट विल बी इजियर फॉर यू रेदर टू यूज ए सैंड पेपर। अब मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है तो मैं इसको साइड से पेपर को सील करने के लिए मॉड पॉज लगा दूंगी ताकि ये कभी भी साइड से बाहर ना निकले। ऑलवेज यूज टू लेयर्स ऑफ द मॉड पॉज ऑन ए सिंगल पेपर विद अ गैप ऑफ 1 or 1.5 hours। मॉड पॉज की पहली लेयर सूखने के बाद ही दूसरी लेयर लगाइए। अब मैं इस पेपर को बैकग्राउंड के साथ मर्ज करूंगी। मैं दो कलर्स लूंगी, एक है ब्राउन का शेड और सेकेंड है पिंक शेड। आई एम यूजिंग ए स्पेशल ब्रश बट यू कैन यूज एनी रफ ओल्ड ब्रश। मैं इसे कुछ कुछ जगह पर रेंडमली भी करूंगी ताकि मेरा पेपर का जो बेस कलर है और जो मेरा बॉक्स का बेस कलर है वो बिल्कुल मैच हो जाए। You can see it's perfectly done. Now I'm going to do the rest of the three sides. Unke liye main ye stenciling brushes use karungi. Ye brushes ke bristles jo hote hain bahut hard hote hain. So aapke paas agar brushes nahi hain to aap koi bhi purana brush ya fir toothbrush bhi use kar sakte ho jiske jo bristles hote hain wo kharab ho chuke hon. Now this is my calligraphy stencil. Ye aapko bahut hi easily aur bahut hi saste rates mein mil jayega. You can buy it in between the 50 to 100 rupees. And this is a one-time investment. Pour color in your brush, dab it aside, and then use on the stencil. Put the stencil on the area where you want the effect. I want the calligraphy effect in the two different colors, so मैं दोनों colors का side by side randomly use करूँगी. और brush को हमेशा ही dabbing motion में ही चलाइए. See the effect, how beautiful it is looking like. You can see मैंने इसे फ्रंट पर भी कर दिया है। बॉक्स के चारों साइड्स पर कैलीग्राफी का इफेक्ट आ गया है। अब मैं कुछ और फ्लावर्स ऐड कर रही हूँ ताकि मेरा बैकग्राउंड प्रिंट में मर्ज हो जाए। अब मेरा बॉक्स बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू सील इट विद द हेल्प ऑफ ए मॉड पॉज। मैं इस मॉड पॉज की सेकेंड लेयर अब लगा रही हूँ। मैंने मॉड पॉज को 4 sides पे इसलिए यूज किए हैं ताकि इसके ऊपर जो पेंट और मिक्स मैचिंग हुई है वो सारी की सारी सील हो जाए। नाउ आई एम डूइंग वॉर्निश टू मेक इट वाटर रेजिस्टेंट। इफ यू डोंट वॉन्ट टू बाय दिस वॉर्निश देन बाय ए स्प्रे वॉर्निश, इट वुड बी चीपर। नाउ द लास्ट स्टेप इज टू डेकोरेट इट
I'm using the beads. You can use whatever you want to. This box is completed now. Now I'm going to give this box to my daughter. Maan, jao didi ko bula ke lao. हाँ जी मामा, ये कौन सा नया बॉक्स है? बेटा जी, ये वही बॉक्स है जो आप सुबह फेंक कर गए थे। वाओ मामा, ये वही बॉक्स है। वाओ मम्मी, आपने इतना सुंदर बना दिया। थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा, इस तरह से हम अपने घर की बेस्ट चीजों से कुछ नया और कुछ क्रिएटिव अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए बना सकते हैं और अपने बच्चों को खुश कर सकते। तो आप लोगों ने देखा कैसे मैंने एक मेटल के पुराने बॉक्स को एक बिल्कुल ही नए बॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। गाइज, अगर आप लोगों को मेरे प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ यू वांट टू बाय समथिंग प्रोफेशनल देन गो टू माय FB पेज। मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है। थैंक यू सो मच। नमस्ते।